बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, टाटा माइनिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो एक बार फिर इंसेंबल लर्निंग ही है। स्टूडेंट्स, आज हम इंसेंबल लर्निंग को वाइंड अप करने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंसेंबल लर्निंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन पढ़ी, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ इंसेंबल लर्निंग हमने जाना। उसके बाद हमने उसकी बेसिक जो है वो मेथड्स, इंसेंबल लर्निंग के मेथड्स को जो है वो सीखने की कोशिश की। नेक्स्ट लेक्चर में हमने उसके एडवांस जो है लर्निंग मेथड्स जो है उन्हें समझा और डिफरेंट टेक्निक्स पे हमने बात की। तो आज के लेक्चर में एक तो हम बात करेंगे होमोजीनियस जो है वो इंसेंबल लर्निंग और हेट्रोजीनियस इंसेंबल लर्निंग क्या होती है, उनके दरमियान में क्या डिफरेंस है, और एंड पे हम बात करेंगे इंसेंबल लर्निंग के एडवांटेजेस पे और डिसएडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो है वो हम जब भी इस्तेमाल करेंगे एडवांटेजेस, तो डेफिनेटली साथ कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, गो के वो माइनर ही होते हैं, लेकिन साथ में डिसएडवांटेजेस को लिखना भी जरूरी है, क्योंकि हर चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो साथ साथ होते हैं। तो चलिए आइए अब हम सबसे पहले होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस जो है हमारे इंसेंबल लर्निंग है उस पर बात करते हैं। होमोजीनियस इंसेंबल लर्निंग जो है हमारे पास ये है कि एन इंसेंबल लर्निंग टेक्निक वेयर ऑल द बेस मॉडल्स बिलोंग टू सेम टाइप, बैगिंग एंड बूस्टिंग आर इट्स एग्जांपल्स बिकॉज दे यूज सेम टाइप ऑफ बेस लर्नर्स विद वेटेड इनपुट्स। तो होमोजीनियस इंसेंबल लर्निंग क्या है? होमोजीनियस इंसेंबल लर्निंग यह है कि जिस तरह से हमने बेस मॉडल्स की बात की है, बेस लर्निंग की बात की है, जब से हमने ये लेक्चर इंसेंबल लर्निंग पे जो है वो लेक्चर स्टार्ट किए हैं, तो हम बेस मॉडल्स की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि बेस मॉडल्स वो वाले मॉडल्स होते हैं जो कि इनिशियल जो हमारे प्रेडिक्शन देते हैं, जो वीक प्रेडिक्शन देते हैं, यानी कि उनकी प्रेडिक्शन बहुत एक्यूरेट नहीं होती, रैंडमली चूज करने से बेहतर होती है, वीक प्रेडिक्शन होती है, और इसे बेस लर्नर्स या बेस मॉडल्स कहा जाता है। तो होमोजीनियस इंसेंबल लर्निंग में जितने भी हम बेस मॉडल्स लें, यानी कि जिस तरह से हम इंसेंबल लर्निंग बेसिकली कहा किसे जाता है, प्रेडिक्शन को कंबाइन करने को कहा जाता है, और एक एग्रीड अपॉन यानी कि एक मीन वैल्यू ले ली जाती है या मोड ले लिया जाता है, जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही है वैल्यू से लिया जाता है, या वेटेड इनपुट ली जाती है, या जो भी टेक्निक वहां पर इस्तेमाल हम करें अगर बेसिक इंसेंबल लर्निंग की बात करें, तो वहां पर हम क्या करते हैं, तमाम के तमाम हमारे जो लर्नर्स हैं, बेस लर्नर्स हैं, वो सेम टाइप के लर्नर्स लेंगे, यानी कि सेम टाइप का डाटा वो जो है एक्सेप्ट करेंगे, और तो उनके एल्गोरिथम्स जो चल रहे होंगे वो भी सेम टाइप के चल रहे होंगे। तो इस तरह का हमारा जो इंसेंबल लर्निंग का जो मेथड होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम होमोजीनियस इंसेंबल लर्निंग टेक्निक या होमोजीनियस इंसेंबल लर्निंग मॉडल जो है वो कहेंगे। इसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर, हेट्रोजीनियस इंसेंबल लर्निंग क्या होती है। तो डेफिनेटली होमोजीनियस इंसेंबल लर्निंग की हमने बात की कि जहां पे तमाम के तमाम जो हमारे बेस मॉडल्स हैं, जो वीक हमारे लर्नर्स हैं, वो क्या होते हैं, वो सेम टाइप के होते हैं, जबकि अगर हेट्रोजीनियस की बात करें तो वहां पे वो सेम टाइप के नहीं होते बल्कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हर एक मॉडल जो है, बेस मॉडल जो है, उसकी टाइप डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स पे काम कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखी हैविंग डिफरेंट बेस लर्निंग मॉडल्स सच एज द एल्गोरिदम्स लाइक SVM, ANN, Decision Trees, ये वाले वो एल्गोरिदम है जो चल रहे हैं कहां पे, हेट्रोजीनियस बेस लर्नर्स के ऊपर। होमोजीनियस की बात करें तो वहां पे अगर फॉर एग्जांपल वो ANN यूज कर रहा है तो तमाम के तमाम ANN यूज कर रहे होंगे, अगर SVM यूज कर रहा है तो तमाम के तमाम SVM यूज कर रहे होंगे, अगर डिसीजन ट्रीज को इस्तेमाल कर रहा है तो तमाम के तमाम इसे इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन हेट्रोजीनियस में इस तरह से नहीं है। हेट्रोजीनियस में तमाम के तमाम बेस लर्नर्स डिफरेंट जो हमारे एल्गोरिथम्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे, तो डेफिनेटली हो सकता है कि इनकी प्रेडिक्शन की भी एक्सपर्टी डिफरेंट है, हर एक की प्रेडिक्शन का लेवल डिफरेंट है, तो वहां पे हो सकता है कि प्रेडिक्शन हमारी बेहतर हो हेट्रोजीनियस के ऊपर। तो यहां पे भी कुछ हेट्रोजीनियस के एडवांटेजेस होंगे, कुछ होमोजीनियस के जो है वो एडवांटेजेस हमें मिलेंगे। स्टैकिंग इंसेंबल लर्निंग मेथड इज इट्स एग्जांपल। तो स्टैकिंग जो है ये क्या काम करता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेस लर्नर्स को इस्तेमाल करता है, जबकि यहां पे अगर होमोजीनियस की बात करें तो यहां पे मैंने लिखा था बूस्टिंग और बैगिंग एंड बूस्टिंग। बैगिंग एंड बूस्टिंग जो है ये किसकी एग्जांपल है, ये होमोजीनियस इंसेंबल लर्निंग की एग्जांपल है, क्योंकि ये बेस टाइप के जो है हमारे बेस लर्नर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारा हेट्रोजीनियस जो कौन से इस्तेमाल करता है, वो हमारे पास स्टैकिंग इंसेंबल लर्निंग जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है, बूस्टिंग को, बैगिंग को और स्टैकिंग को। तो ये एडवांस लर्निंग इंसेंबल लर्निंग के मेथड्स हैं। तो ये वाले उनकी एग्जांपल यहां पे दी हुई है कि कौन कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा जो है वो हेट्रोजीनियस है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर। तो डेफिनेटली जिस तरह से पहले बात की है कि हर चीज के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, जिस तरह से हमने बात किया कि भाई ये क्या करता है, डिफरेंट बेस लर्नर से प्रेडिक्शन लेता है
और उस प्रेडिक्शन की बेस पे हमें एक मीन जो वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर देता है, जो हम समझते हैं कि भाई एक ज्यादा एक्यूरेट मोर एक्यूरेट प्रेडिक्शन हो सकती है देन इंडिविजुअल। कि हम इंडिविजुअल अगर एक लर्नर से एक इंडिविजुअल मॉडल से अगर हम एक प्रेडिक्शन लें एक आउटपुट लें तो उससे बेहतर है कि हम 3-4 से लेके तो फिर उससे इवेलुएट करके कोई एक प्रेडिक्शन बना लें। तो ये वही मैकेनिज्म है एंसेंबल लर्निंग का। तो यहाँ पे इसके एडवांटेजेस यही होंगे कि भाई यहाँ पे हमारी प्रेडिक्शन जो है वो एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट हमारे पास एडवांटेज क्या है, हायर प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी कंपेयर टू इंडिविजुअल मॉडल। सो इंडिविजुअल मॉडल जो है वो जिस तरह से पहले अभी बात किया कि इंडिविजुअल हर एक मॉडल अपनी अपनी प्रेडिक्शन देगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कंबाइन कर लेंगे प्रेडिक्शन को, तो हो सकता है हमारी प्रेडिक्शन जो है वो ज्यादा एक्यूरेट हो। इसके बाद है यूजफुल वेयर देयर इज बोथ लिनियर एंड नॉन लिनियर टाइप ऑफ डाटा। यहाँ जहां पे लिनियर टाइप ऑफ डाटा और बोथ नॉन लिनियर टाइप ऑफ डाटा होगा वहां पे हमारा जो एंसेंबल लर्निंग टेक्निक है ये बेटर परफॉर्म करेगी। अगर किसी जगह पे सिर्फ लिनियर है या किसी जगह पे सिर्फ नॉन लिनियर डाटा है तो वहां पे हो सकता है इंडिविजुअली जो मॉडल्स हैं वो बेहतर काम करें, लेकिन जहां पे दोनों कंबाइन होंगे वहां पे एंसेंबल लर्निंग जो है वो बेटर रिजल्ट हमें देगी। इसके बाद लेस नॉइजी एंड स्टेबल, तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देता है। इसमें नॉइजी फैक्टर जो है वो कम होगा और हमारी जो प्रिडिक्शन है वो कह लें आप ये कह लें कि रियल लाइफ के ज्यादा करीब होगी, बेहतर होगी। और फॉर एग्जांपल हमें हर दफा वो जो प्रेडिक्शन जो है वो मिलती जुलती सी प्रेडिक्शन मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि एक दफा प्रेडिक्शन जो एक दिया तो अगली दफा इंटायरली डिफरेंट प्रेडिक्शन दे दे उसे बिल्कुल उलट कर दे, इस तरह से नहीं होगा, ये काफी स्टेबल होगी इस जगह पे। तो रिड्यूस बायस एंड वेरियंस, इस तरह से हमने पिछले लेक्चर में जो है वो बात की है कि जिस तरह से बूस्टिंग और हमारे पास बैकिंग है ये क्या करते हैं, एक बायस की वैल्यू को रिड्यूस करता है दूसरी वेरियंस को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एंसेंबल लर्निंग के ही ये वाले मेथड्स हैं, तो ये किसे कम करते हैं बायस वैल्यूज को कम कर देते हैं और वेरियंस को कम कर देते हैं, यानी कि डिफरेंस ये दोनों किसे रिप्रेजेंट कर रही है, डिफरेंस जो है उनकी मॉडल की प्रेडिक्शन में उन्हें कम कर देता है। इसके अलावा हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, डिसएडवांटेजेस गो के कम है लेकिन हमें स्टडी करना जो है यहाँ पे पड़ेगा। एंसेंबल प्रेडिक्शन इज हार्डली इंटरप्रिटेबल, हार्डली इंटरप्रिटेबल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट मॉडल से जो है वो एक प्रेडिक्शन ले लिया, एक आउटपुट ले लिया और उसे कंबाइन कर लिया। अब उस कंबाइन आउटपुट को हम किस तरह से जो है वो जस्टिफाई करेंगे, किसी को क्या बताएंगे कि भाई ये क्या हमारे पास आउटपुट किसकी बेस पे आई है, क्योंकि पिछले जो हमारे बेस मॉडल हैं वो तो डिफरेंट हेट्रोजीनियस है फॉर एग्जाम्पल, तो वो डिफरेंट एल्गोरिथम्स पे काम कर रहे हैं, तो किस तरह से उसे बताएंगे कि किसकी बेस पे ये ली है, तो यहाँ पे इंटरप्रेट करना उसे जो है वो काफी मुश्किल होगा हमारे लिए। हार्ड टू लर्न एंड एनी रॉन्ग सिलेक्शन कैन लेड टू रॉन्ग प्रेडिक्शन, तो डेफिनेटली ये वाला फैक्टर तो वहां पे भी हो सकता है। अगर हम इसे एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो अगर ये हम एंसेंबल लर्निंग को नहीं भी इस्तेमाल करते तब भी हमारा ये वाला ये डिसएडवांटेज जो है वो हो सकता है, क्योंकि अगर रॉन्ग सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमारी जो आउटपुट होगी वो डेफिनेटली रॉन्ग होगी। इसके बाद एक्सपेंसिव इन टर्म ऑफ टाइम एंड स्पेस, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस का मतलब ये है कि हमें ज्यादा फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी पड़ेगी और ये डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग भी होगा ये काम, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल से प्रेडिक्शन ले लें वो तो एक काम है, यहाँ भी हम सबसे प्रेडिक्शन लेने के बाद उसे फिर उस पर काम कर रहे हैं, फिर उस पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये टाइम कंज्यूमिंग होगा और स्पेस कंज्यूमिंग होगा। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपने एंसेंबल लर्निंग के तमाम के तमाम लेक्चर्स को अच्छी तरह से सुना होगा, समझा होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक का आगाज करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।